इधर रखो पाओ, हाथ दो मेरे को, हाथ दो, रुको तो मेरा हाथ ले। चप्पल चप्पल, ओए मेरी जान, अरे मेरा फोन लिया है क्या? तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में है ना? दूसरा फोन नहीं दिया बाबू मेरे को। नहीं, मेरी कसम मैंने ही टॉर्च चालू कर दिया था यार ये। हाँ मैंने उनको दिया था अभी टॉर्च। रंजीत जी आपके पास रिया का फोन है ना? हाँ, ये नहीं। तो गाइस अभी सभी लोग रेडी हो चुके हैं, आप लोग मेरा लुक देख ही रहे होंगे, अच्छी लग रही है ना, कमेंट से बताओ। तो गाइस चलो चल रहे हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, कहाँ जा रहे हैं मुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये सब लोग ने अभी पता नहीं कहाँ पे प्लान किया है। तो डायरेक्ट मिलते हैं लोकेशन में पहुँचने के बाद। सो गाइज अपन अपनी फर्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं दिन की, और यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। माता की जय, भारत माता की जय, जय हैदराबाद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। क्या बोलती पब्लिक? मेरी जान। कुछ बच रहा है तो नहीं ना? प्लीज यार बता दो, मेरा फोन दिखा दे मुझे। मेरा फोन दिखा, मेरे गले में निशान चिन्ह, मेरे गले में शुगर रखो, उनको उनको। मेरा वाला फोन नहीं, पागल हो गए क्या? सब सोना मेरा फोन आर्मी के ना? क्या हुआ? मैंने तुम्हें फोन दिया था, मेरे को नहीं दिया बाबू। मेरे पास विपिन का फोन है और ये तुम्हारा है, पकड़ो मेरा फोन। शूट तो आईफोन से कर रही, पकड़ो जल्दी यार मेरा फोन, मैं नीचे देख रही हूं। दूसरा फोन नहीं दिया बाबू मेरे को। नहीं, मेरी कसम मैंने ही टॉर्च चालू कर दिया था यार ये। हाँ मैंने उनको दिया था अभी टॉर्च। रंजीत जी आपके पास रिया का फोन है ना? हाँ, ये नहीं रिया का, नहीं रिया का ही। मुझे लगा मेरा फोन गायब हो गया। देखो इन लोगों को सपना भगाने की तैयारी मैंने करी थी, ये भैया लोग आ रहे थे आर्मी इधर से, और इसके बाद फिर मैं टॉर्च चालू करके खड़ी हो गई क्योंकि ये लोग चल नहीं रहे थे, मेरी बात नहीं सुन रहे थे, है ना? क्या काम किया मैं, आपने देखा भारत क्या? माता की जय किया ना इधर, भारत माता की जय किया, और अभी मेरे कारण ना लड़ाई भी हो सकती थी। सब 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 सब, और मुझे लगा था मेरे कारण ना अभी लड़ाई हो जाती, हमारे रहते तुम्हारे कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ अकेली खड़ी हुई थी और मैंने टॉर्च चमका रही थी, उनको लगा था कि लड़की ना गुम गई है। तुम किधर किधर घूम रहे थे? मैं इधर ही खड़ी थी, ऊपर ही खड़ी थी, वो लोग उधर से टॉर्च चालू करके आ रहे थे, उनको लगा कि मैं अकेली लड़की क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो गाइस वहाँ लोकेशन से हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मंदिर जो कि रास्ते में ही पड़ रहा है। हम सोचा कि यार आए हैं नागपुर तो मंदिर भी चलते, रेणुका माता का मंदिर है, चलो दिखाती हूँ। चलिए चलिए चलो, 40 सीढ़ियाँ हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छा है। दे दिया 40 रुपए और दो, 40 बस। मतलब ये लोग हमको ना ऐसे प्रिंसेस जैसे ट्रीट कर रहे हैं, 1 रुपए खर्च नहीं करने दे रहे हैं यार। ये सब बहुत बुरे हैं, सब बहुत बुरे हैं, ये लोग ना 1 रुपए खर्च नहीं करने दे रहे हैं हमें, और जब से हम घर से आए ना 1 रुपए खर्च नहीं कर रहे। एमएक्स का किंग है भाई हम लोग, अब मुझे गिल्ट हो रहा है। कोई बात, मुझे गिल्ट, हमें हम दोनों को गिल्ट हो रहा है यार।
अरे हाँ, ये तीनों नहीं दे रहे हमको, खर्च करने नहीं दे रहे हैं। चलो नीचे चलो यार, अभी तो विपिन से। तो भाई घर आ गए हैं अभी, और मेरी शक्ल देख लोगे आप। आंटी मेरे छोटी निकाल रही है, सुबह मैंने कर ली थी, देखो बाल भयंकर फंस गए है ना आंटी। आंटी को फंस गए मेरी मेरी किस्मत तो। यार प्रॉपर ट्रिप हो चुकी है नागपुर की। अब हम निकल रहे हैं घर यहाँ से, क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो 2 बजे की, और एक और मेरे जो फ्रेंड है साथ में, उनका ट्रेन मुझसे पहले का है, और बाकी आधे लोग तो यहाँ पे से उठे ही नहीं है। बट द थिंग इज कि हाँ, मैं बुला रही, भेज रही उनको। हाँ तो ये सारे उठे नहीं है, हम दोनों रेडी हो गए क्योंकि हम लोग का ट्रेन जल्दी था। चलो गाइस अब चलते हैं, प्रॉपर बढ़िया ट्रिप हो चुका है, पहुँचते हैं स्टेशन फिर चलते हैं घर। मैं पहुंच चुकी हूँ अभी स्टेशन, और स्टेशन में मैं ट्रेन में पहुंच चुकी हूँ। ट्रेन मैंने पकड़ ली थी, और मेरा जो ट्रेन था वो 3 घंटे लेट था, और अब मैं जा रही हूँ डायरेक्टली घर, क्योंकि इतना टाइम मैं इतना परेशान हो गई थी ना कि मतलब मैं क्या चीज़ें करूँ। तो बस मैंने ट्रेन पकड़ी, और अभी मैं ट्रेन में हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे डायरेक्टली घर पहुँचने के बाद। सो हे गाइज, अब मैं घर आ चुकी हूँ, मतलब मैं रात में ही घर आ गई थी, मेरा फ्रेंड मेरे को लेने आया था, और महाराष्ट्र की ट्रिप हो गई है। ये मेरे साल की आई गेस 5वीं या 6ठी ट्रिप थी भोपाल के बाहर की, क्योंकि आई लव टू ट्रैवल, और मैं वैसे व्लॉग्स वगैरह बनाती नहीं हूँ। मैंने बहुत ट्रिप्स करी है इस मंथ, इस साल में, उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया, जयपुर हो गया, बहुत जगह, ओमकारेश्वर हो गया, बहुत सारी जगह। सो गाइज आई होप कि आपको व्लॉग्स पसंद आए हो, क्योंकि मैंने सारे व्लॉग्स डाल दिए, ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल कर देना सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मुझे पता है कि एमएक्स के बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सो गाइस डू सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू डू द कमेंट, ताकि मैं जब लाइव आऊँ तो मैं आपको मिल सकूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि कैसे क्या ट्रिप है ये। गाइस मेरे प्रॉपर स्ट्रीमिंग के फ्रेंड है, मतलब जो मैं काम करती हूँ स्ट्रीमिंग के फ्रेंड्स है, और इस तरीके का मीटअप मैंने शायद दूसरी बार किया है। इससे पहले एप्लीकेशन का किया था, तो जिसमें सिर्फ गर्ल्स थी जो कि भोपाल के ही थे, और बस हाँ मजे आए यार। और पहली बार ऐसा ट्रिप था कि जो कि एमपी के भी बाहर का था। बाकी जितने लोग एमएक्स से देख रहे हैं गाइज, वीडियो को और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम ग्रुप्स में या व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आई नो कि बहुत सारे गिफ्टर्स एंड स्ट्रीमर्स का ग्रुप है, तो वहाँ पर शेयर ज़रूर करना। और बस ख़त्म, और मुझे पता है कि मैं आज नवंबर के लास्ट में व्लॉग डाल रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे एक और, हाँ सब्जी वाले को भी चिल्लाना है, मिलती है एक और फाड़ू वीडियो के साथ वापस से। तब तक ले गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।